बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, कर्क राशि यानी बुर्ज सरतान के हवाले से, कैंसेरियंस के हवाले से आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन 5 साल कौन से होने जा रहे हैं, बेस्ट 5 ईयर्स ऑफ योर लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 2025 से 2030 ये 5 साल ऐसे रहेंगे जहाँ पर बड़े बड़े सैारे बेहतरीन पोजीशंस पे यानी राहु, मंगल, गुरु, बुध यानी चांद, जिस भी सैयारे की बात करिए बेहतरीन पोजीशंस पे रहेंगे और हर लिहाज से तमाम कैंसेरियंस को बड़े बड़े फायदे होते हुए ये लोग देखेंगे। 2025 से अगर हम बात करें तो गुरु जुपिटर आपके 11वें घर में आपके ख्वाहिशात की तकमील और प्रॉफिट इनकम के घर में रहेंगे, जबकि किस्मत के घर में राहु यानी 9th हाउस में राहु रहेंगे, आपके 3रे घर के वो चमकाते केतु नजर आएंगे, जबकि 8वें घर के अंदर शनि यानी सैटर्न रहेंगे। याद रखिएगा मई 2026 तक गुरु जो है वो अपना घर चेंज कर लेंगे और आपके 12वें घर 12th हाउस के अंदर आ जाएंगे। आपके बैरन मुल्क के दौरे, आपके बाहर जाके काम करना, जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, बैरन मुल्क से जुड़ के कंप्यूटर का कोई काम करना, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर या कोई भी इस तरह का, उससे भरपूर पैसा कमाना ऐसा मुमकिन बनेगा। यहाँ पे गुरु जो कि 9th हाउस का किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, इसका कनेक्शन यहाँ आपके 12वें घर से बनता हुआ नजर आएगा, यानी किस्मत का कनेक्शन आपके 12वें घर के अंदर बनेगा। यानी इस चीज को लिख के रख लें, क्योंकि आपके आपके बैरनमल के दौरे बनना या आपकी रिलीजियस ट्रैवल का होना, आपका हज उम्रे के लिए जाना या आपके मजहब के हिसाब से आपका रिलीजियस ट्रैवल बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे खराजात का 12वां घर चुके खराजात का घर भी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे जिस पे नजर रखना पड़ेगा, वरना कर्जे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और 1 साल तक 12वें घर में गुरु का रहना ये 1 साल तक खर्चे भी खूब करवाएगा। यहाँ पे आपको बीमारियों के हवाले से आपके ब्लड प्रेशर, आपके शुगर या लीवर, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, फैट का बढ़ना, इस तरह के हार्ट के प्रॉब्लम होना, इस तरह बन सकता है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स बहुत ही मस्ट हो जाएगा। जब 12वें घर में गुरु आएंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्टिव रहोगे और इन बीमारियों से बच सकोगे। मई 2026 से मई 2027 ये गुरु आपको फर्स्ट हाउस में आते हुए नजर आए। अब ये चीज नोट करके लिख के लगा लें कि फर्स्ट हाउस में 2027 तक जब गुरु जुपिटर रहेंगे तो आपका नाम का होना, फेमस होना, आपको बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस, मराहत का मिलना, हर लिहाज से तरक्की करना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, सेहत का अच्छा रहना, ऐसा मुमकिन बनेगा। गुरु यानी जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में आना, आपके डीप नॉलेज का बढ़ना, आपका बहुत चतुर, चालाक और जहीन हो जाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा गुरु जब आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ये आपके 5वें घर, आपके 7वें घर और आपके 9वें घर, इन तीनों पर भी नजरें रखेंगे। यानी 5वें घर के हिसाब से आपके औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी होना, औलाद के हवाले से खुशखबरियां सुनना, ऐसा मुमकिन होता हुआ आपके लिए नजर आएगा। इसके अलावा 5वें घर की वजह से आपके आपके शादी के योग बनेंगे, आपके रिश्ते बनते हुए और शादी के योग बनते हुए आपको नजर आएंगे। मई 2027 तक कारोबार का अच्छा चलना, फलना फूलना, पार्टनरशिप के बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में, इंडिपेंडेंट बिजनेस में भरपूर पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। और जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठ के 9th हाउस पे दृष्टि नजर रखना, ये आपकी किस्मत को बहुत उछालेगा, यानी किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना, आपका रिलीजियस एक्टिविटी में कनेक्टेड होना, ये भी आपको बहुत सोने पर सुहागा रहेगा, भरपूर तरीके से किस्मत साथ देते आपको नजर आएगी। 2027 से 2028 में गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस, आपके दौलत के घर, आपके माल के घर, आपके गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के घर में ट्रांसिट करेंगे, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स के घर में, यानी हर लिहाज से पैसा बटोरते आप नजर आओगे, हर लिहाज से पैसे का फ्लो आपको नजर आएगा। आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, अपनी जबान से सामने वाले को मोह लेना, यानी सामने वाले आपके बात सुन के आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसा बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब करते हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं, चाहे जजेस हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कोई मैनेजेरियल पोस्ट पे काउंसलर्स हैं, सेल्स परचेस का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, बोलने का जिसमें भी काम है, चाहे एक्टर्स हैं, चाहे न्यूज़ कास्टर वगैरह हैं, हर लिहाज से पैसा समेटते आप लोग नजर आओगे। सेकेंड हाउस के गुरु हैं, सेकेंड हाउस में जब गुरु जुपिटर आएंगे तो आपके 8वें घर को चमकाते नजर आएंगे, आपके डीप नॉलेज का, आपके पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी को सीख के या फिर रिसर्च डेवलपमेंट का काम करके वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। 2028 से 2029 ये 2 साल ऐसे रहेंगे जब गुरु जुपिटर अपना घर बदलेंगे सेकेंड से थर्ड हाउस में, आपके बहन भाइयों के घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस और आपके शॉर्ट डिस्टेंस के घर के अंदर आ जाएंगे। यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का होना या सप्लाई का काम करना या घर घर सामान पहुंचाना, ऑनलाइन तरीके से कमाना,
ऑनलाइन तरीके से अच्छा पैसा बनाना, बहन भाइयों के साथ कारोबार करके वहां से पैसा कमाना, इस तरह के मामले बढ़ जाएंगे। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी डिजिटली कोई काम करते हैं उसमें तो पैसा मिलेगा, लेकिन टूर एंड ट्रैवल यानी कोई अगर सफ़र करवाना, टिकटिंग का काम करना, ट्रैवल्स एजेंसी है उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब शनि के हवाले से, सैटर्न के हवाले से बात करें, सैटर्न क्या कुछ गुल खिलाएगा इन 5 सालों में 2025 से 2030 के अंदर। मार्च 2025 में आपकी जो ढैया है, कर्क राशि की जो ढैया है, वो मार्च 2025 में खत्म होते हुए कैंसेरियंस को नजर आएगी। इस दौरान में शनि सैटर्न आपके 8वें घर को छोड़ के आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे। फरवरी यानी फरवरी 2028 तक शनि इसी घर के अंदर रहेंगे। याद रखिएगा, 8वें घर को छोड़ के 9वें घर में आएंगे और 3 साल तक इधर ही रहने वाले, यानी जो डेट हमने बताई इसको नोट कर लीजिएगा। 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि होता है और शनि का भाग्यस्थान यानी किस्मत के घर में आना, यह आपके पार्टनर, आपके वाइफ या आपके हस्बैंड या आपके बिजनेस पार्टनर के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। इसके अलावा आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके हस्बैंड या वाइफ के कारोबार में, इनके करियर में, उनके फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से बड़ा फ़ायदा होता आपको नजर आएगा। किस्मत के अंदर थोड़े से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे कैंसेरियंस को, ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ मिल जाए, मिलेगा ऐसा ऐसा डिले होके, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। यानी कोई भी काम के कम्प्लीशन में टाइम लगेगा, जो काम 2 महीने में होना है मे बी वो 5 महीने 6-7 महीने में हो, यानी कि थोड़ा डिले होना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाना ऐसा देखा जाएगा। ढैया के दौरान 2.5 साल का जो स्ट्रगल का टाइम कैंसेरियंस का था, जो मार्च 2025 में ख़त्म हो जाएगा, तो उससे पहले इनको जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी था, जो या कहें कि बहुत ज़्यादा सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत था, फाइनेंशियल डिप्रेशन का शिकार थे, फाइनेंशियली जो है बहुत सारे लॉसेस भी किए, उसके वजह से भी परेशान थे, कारोबार और करियर की वजह से परेशान थे, उसमें बड़ा सुधार आएगा। आपकी सेहत जो बिगड़ी हुई थी, सेहत के हवाले से खुशखबरी का सुना, सेहत का अच्छा होना, प्रॉपर मेडिकेशन होना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और 9वें घर में बैठा शनि आपके सेकेंड हाउस को भी देखेगा, तो सेकेंड हाउस आपके पैसे, दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अंदर भी भरपूर चेंजेस का आना और अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। फरवरी 2028, लिख के रख लें, फरवरी 2028 में शनि सैटर्न आपके 10वें घर, आपके करियर के घर के अंदर आके यहाँ बड़ा उछाल पैदा करेगा। करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, जॉब के हवाले से प्रोमोशंस का, आपके सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, आपके जो आपके जो तरक्की के रास्ते हमवार होना, रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का मिलना, ऐसा सब मुमकिन बने। और 10वें घर के अंदर याद रखिएगा, 2030 तक शनि सैटर्न रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। शनि चूंकि जिस घर में जाता है वहाँ हार्ड वर्किंग तो मांगता है, तो यहाँ 10वें घर के अंदर भी हार्ड वर्किंग मांगेगा, आपकी सख्त मेहनत करना, अपने 100% एफर्ट्स लगाना, काम को पेंडिंग पे नहीं डालना, जो काम उसी वक्त कर लेना, अपनी सख्त मेहनत करना, अनथक मेहनत करना, कंफर्ट जोन में ना जाना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जितने जॉबलेस कैंसेरियन से उनको जॉब का मिलना, चाहे ओवरसीज ही क्यों ना, वहाँ जॉब का अच्छा मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस पे जॉब का मिलना, आपका हार्ड वर्किंग होना, लेजीनेस को छोड़ देना और सख्त मेहनत करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपका खुद भी बड़े बड़े चेंजेस का करना, आपकी जगह का चेंज होना, जिस जगह आप जॉब कर रहे हो उससे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना या दूसरी जॉब की तरफ शिफ्ट हो जाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। और यहाँ पे शनि सैटर्न आपके 12वें घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। बैरून मुल्क जाना, MNC कंपनी में काम करके अच्छा पैसा बनाना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, हर लिहाज से 12वें घर का फायदा, यानी बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, ITC के हवाले से कोई काम करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं या कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे डेटा एंट्री का काम करते, जो भी कंप्यूटर से जुड़ा या ट्रेडिंग से जुड़ा काम करते, उसमें भरपूर पैसे कमाने के और बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करने के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों पे थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी। फरवरी 2028 के बाद चूंकि 4th हाउस, 4थे घर पे भी दृष्टि नज़र रहेगी, तो आपकी वालदा की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, वहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब राहु के हवाले से बात करें तो मई 2025 में राहु जो है वो 9th हाउस को छोड़ के आपके 8वें घर, आपके अकल्ट साइंसेस के घर, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के घर, आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस के घर में आ जाएंगे। मई 2025 से दिसंबर 2026 तक, ये 2026 तक इनका 8वें घर के अंदर रहना, ये आपके डीप नॉलेज में इजाफा करेगा, अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री वगैरह सीख के उससे पैसे कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के उससे भरपूर पैसे कमाना, बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का देखना ऐसा मुमकिन बनेगा। मगर इस दौरान में छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचना होगा, गाड़ी से, बाइक से, चलते हुए गिर जाना, पैर में मोच आ जाना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। यहाँ पे केतु का आपके सेकेंड हाउस में आना आपके कम्युनिकेशंस के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त करेगा, आपकी कम्युनिकेशंस, कोई भी बोलचाल वाला काम करते उससे भरपूर पैसा कमाना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ाना और लोगों का आपकी तरफ माइल होना, खींचे चले आना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन होगा। यहाँ से भी अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे।
दिसंबर 2026 में राहु आपका आठवां घर छोड़ के सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और कारोबार के घर के अंदर आ जाएंगे। और जून 2028 तक याद रखिएगा, जून 2028 तक आपके सातवें घर के अंदर ये रहेंगे। यहाँ पे आपके कारोबार का अच्छा पैसा देना, आपका फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस या पार्टनरशिप के बिजनेस में भरपूर पैसा कमा पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस यानी कि रोज कमा के रोज खाने के जराए बढ़ेंगे, अच्छा इनकम आएगा, हाई प्रॉफिट लेते हुए नजर आओगे। और फिर केतु जब फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपका क्रिएटिव बनाना, बहुत ही क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इनोवेशंस बढ़ेंगे, पैसे कमाने का जरूर सर चढ़ के बोलेगा, आपके विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल भी कमाल का रहेगा। लेकिन राहु का सातवें घर में आना आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में थोड़ा अनबन का होना, लेकिन फिर मोहब्बत भी बढ़ेगी, घूमना फिरना सैर सपाटा भी लगेगा, लेकिन मिला जुला रुझान रहेगा। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन्स पैदा करेगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, कन्फ्यूजन्स का पैदा करना, डबल माइंडेड कर लेना, गुस्से में बहुत ज़्यादा रहना, एग्रेसिव बनाना, आपके कम्युनिकेशन में गड़बड़ी पैदा करना, आपको जिद्दी बना देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।